आज हम सरल रेखा के अंतर्गत किसी दिए गए बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पश्चात हम किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु X1, Y1, Z1 से रेखा X-α/L इक्वल टू Y-β/M इक्वल टू Z-γ/N की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमें दिया है X1, Y1, Z1 और हमें रेखा दी गई है X-α/L इक्वल टू Y-β/M इक्वल टू Z-γ/N। तो दिया गया बिंदु P X1, Y1, Z1 है। सबसे पहले रेखा का समीकरण X-α/L Y-β/M Z-γ/N ये हमने समीकरण एक किससे दिया। बिंदु P X1, Y1, Z1 से दर्शाया। रेखा पर स्थित बिंदु हमने प्राप्त किया जो कि α/β/γ होगा। रेखा पर स्थित बिंदु A α/β/γ है। यह बिंदु A है α/β/γ। हमने रेखा से रेखा पर बिंदु P से लंब PM की रचना की। बिंदु P से रेखा पर लंब PM डाला। P को A से मिला दिया। इस प्रकार हमें संपूर्ण त्रिभुज AMP प्राप्त हुआ। तो हमें दी गई रेखा है X-α/L इक्वल टू Y-β/M इक्वल टू Z-γ/N और दिया गया बिंदु है X1, Y1, Z1 जिसे हमने P से दर्शाया।
तो बिंदु P से हमने रेखा पर लंब PM डाला, तो PM दूरी ही बिंदु की रेखा से दूरी होगी। हमें दूरी PM का मान ही ज्ञात करना है। रेखा पर स्थित बिंदु हमने रेखा के समीकरण से प्राप्त किया, जो कि अल्फा बीटा गामा है, और इस बिंदु को हमने A से दर्शाया। तो बिंदु A अल्फा बीटा गामा है, बिंदु P X1 Y1 Z1 है, और PM बिंदु P से रेखा पर डाला गया लंब है। अब हम रेखा एक पर AP का प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। AP का रेखा एक पर प्रक्षेप, AP का रेखा एक पर प्रक्षेप या AP का रेखा एक पर डाला गया प्रक्षेप, ये हम ज्ञात करेंगे। तो ये होगा AM ये रेखा, ये वाली रेखा वन है, रेखा एक है। तो रेखा नंबर एक पर AP का प्रक्षेप ये हमें AM से प्राप्त होता है। रेखा वन इस प्रकार से होगी, AM से गुजरते हुए रेखा वन होगी, और AP का इस रेखा पर प्रक्षेप ये AM से प्राप्त होता है। तो AM का मान हमें मिलेगा X1 माइनस अल्फा L प्लस Y1 माइनस बीटा M प्लस Z1 माइनस गामा N। तो इस प्रकार से AM का मान होगा X1 माइनस अल्फा L प्लस Y1 माइनस बीटा M प्लस Z1 माइनस गामा N। यहाँ पे L, M, N के मान हमें रेखा के समीकरण से प्राप्त होंगे। अब समकोण त्रिभुज APM में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो ये मिलता है AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहां से हमें PM स्क्वायर का मान मिलता है PM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। तो AP स्क्वायर का मान होगा X1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस गामा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से AP स्क्वायर X1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस गामा होल स्क्वायर
ये ए पी स्क्वायर का मान होगा। हमने एम का मान अभी प्राप्त किया है, एम का मान रखेंगे तो ये मिलता है माइनस एक्स वन माइनस अल्फा एल प्लस वाई वन माइनस बीटा एम प्लस जेड वन माइनस गामा एन होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें पी एम स्क्वायर का मान मिल गया एक्स वन माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस गामा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स वन माइनस एल्फा एल प्लस वाई वन माइनस बीटा एम प्लस जेड वन माइनस गामा एन होल स्क्वायर। तो पी एम का मान यहाँ से हमें मिल जाता है पी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा मान स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये होगा एक्स वन माइनस एल्फा होल स्क्वायर वाई वन माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस गामा होल स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस अल्फा एल प्लस वाई वन माइनस बीटा एम प्लस जेड वन माइनस गामा एन होल स्क्वायर। तो पी एम का मान इस समीकरण का वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस गामा होल स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस अल्फा एल प्लस वाई वन माइनस बीटा एम प्लस जेड वन माइनस गामा एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पी एम का मान प्राप्त होता है जो दिए गए बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी को दर्शाता है। तो इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम दिए हुए बिंदु की किसी दी गई रेखा से लंबवत दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक बिंदु दिया है और एक रेखा दी गई है, हम ये देखते हैं बिंदु 0, 2, 3 बिंदु 0, 2, 3 की रेखा एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड प्लस 4/5 जेड प्लस 4/3 से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें एक बिंदु दिया गया है बिंदु 0, 2, 3
और एक रेखा दी गई है जिसका समीकरण है x प्लस 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। सबसे पहले हम रेखा के समीकरण को लेते हैं। रेखा का समीकरण है x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। रेखा पर हमने बिंदु प्राप्त किया था, तो वैसे ही इस समीकरण के अनुसार रेखा एक पर बिंदु, रेखा एक पर हम एक बिंदु प्राप्त करते हैं। रेखा एक पर बिंदु A ये होगा। रेखा के समीकरण से ही हम बिंदु का मान प्राप्त करेंगे। रेखा का समीकरण x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m और z माइनस गामा अपॉन m इस रूप में होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान -3 होगा, यहाँ पर अल्फा का मान होगा -3, बीटा का मान 1 और गामा का मान -4। तो रेखा एक पर बिंदु A -3, 1, -4 स्थित है। हमने रेखा का बिंदु प्राप्त कर लिया। अब रेखा के दिक् अनुपात, रेखा एक के दिक् अनुपात ये होंगे 5, 2, 3। रेखा के दिक् अनुपात होंगे 5, 2, 3। अब रेखा की दिक् को ज्ञाएं। रेखा की दिक् को ज्ञाओं के लिए हमें इन संख्याओं का वर्ग करके योग करना होगा तथा वर्गमूल ज्ञात करना होगा और उसके बाद उस संख्या से प्रत्येक मान को भाग देना होगा। इसे इस प्रकार लिया जा सकता है, रेखा एक की दिक् को ज्ञाएं, रेखा एक की दिक् को ज्ञाएं ये होंगी 5/√5² + 2² + 3² 2/√5² + 2² + 3² 3/√5² + 2² + 3² तो इस प्रकार रेखा एक की दिक् को ज्ञाएं, रेखा एक की दिक् को ज्ञाएं। ये होगी 3/ रेखा एक की दिक् को ज्ञाएं, यहां से 5/ ये
रूट 38 होगा, ये मान रूट 38 होगा 25 प्लस 4 प्लस 9, तो ये होगा रूट 38 2 अपॉन रूट 38 3 अपॉन अंडर रूट 38। इस प्रकार से हमने रेखा एक की दिक्भुजाएं प्राप्त कर लिया, 5 अपॉन अंडर रूट 38, 2 अपॉन अंडर रूट 38 और 3 अपॉन अंडर रूट 38। अब हम बिंदु P से रेखा पर लंब PM डालें। बिंदु P के निर्देशांक 0, 2, 3 हैं। बिंदु P के निर्देशांक हैं 0, 2, 3। रेखा पर स्थित बिंदु A -3, 1, -4 है, -3, 1, -4 है। हम AP का रेखा एक पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं, हम AP का रेखा एक पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। सूत्र x1 -α(L) + y1 -β(m) + z1 - γ(n) के द्वारा। तो इस प्रकार हमें AP का प्रक्षेप AP का रेखा एक पर प्रक्षेप AM ये मिलता है x1 -α(L) + y1 - β(m) + z1 - γ(n) इस सूत्र के अनुसार। तो AM इक्वल टू x1 - α, तो ये होगा 0 माइनस माइनस 3 मीन्स 0 प्लस 3, एल है 5 अपॉन अंडर रूट 38 प्लस y1 - β, ये मान x1 y1 z1 और ये मान अल्फा बीटा गामा है। तो x1 - α(L) ये मिला प्लस y1 - β(m) 2 - 1 इंटू m का मान है 2 √38 प्लस z1 - γ(n) तो 3 - −4 मीन्स +4 3 + 4 इंटू n 3 √38। इस प्रकार हमें AP का रेखा एक पर प्रक्षेप AM का मान इस सूत्र के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है, AM का मान हमने इस सूत्र में x1, y1, z1, अल्फा, बीटा, गामा और LMN के मान रखा। अब हमें
एम का मान प्राप्त होगा तो एम इक्वल टू ये होगा 15 बाय रूट 38। इसी प्रकार ये माइनस करके इनटू करेंगे तो 2 बाय रूट 38 और ये 7 होगा, 7 का 3 से इनटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 बाय रूट 38। तो ये मिलता है 15 बाय रूट 38 प्लस 2 बाय रूट 38 प्लस 21 बाय रूट 38। तो एम इक्वल टू ये एम का मान होगा रूट 38 15 प्लस 2 प्लस 21। इसको हल करके देखिए, ये हमें मिलता है एम इक्वल टू 38 अपॉन रूट 38 या इसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू रूट 38। हमने एम का मान प्राप्त किया, ये हमें मिला अंडर रूट 38। अब हमें एपी का मान ज्ञात करना है। एपी का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। हम एपी का मान प्राप्त करते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी इस सूत्र का उपयोग करके। ये प्रथम बिंदु है और ये द्वितीय बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, माने x निर्देशांकों का अंतर लेते हैं स्क्वायर, फिर y निर्देशांकों का अंतर लेते हैं उसका स्क्वायर, फिर z निर्देशांकों का अंतर लेते हैं उसका स्क्वायर, इनको योग करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस माइनस 3 तो ये होगा 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 4 मीन्स 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी वाले सूत्र का हमने यहाँ पे उपयोग किया, तो ये मिलता है 0 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 4 मीन्स 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, 7 स्क्वायर मीन्स 49। तो ये होगा AP इक्वल टू रूट 59। AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 59 ये हमें मिला। अब
पीएम का मान निकालना है तो त्रिभुज ए पीएम में, या इसे समकोण त्रिभुज एपीएम लिखें, समकोण त्रिभुज एपीएम में, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, एपी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग एपी स्क्वायर इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, ये मिलता है रूट 59 स्क्वायर, रूट 59 स्क्वायर इक्वल टू एएम स्क्वायर, और एएम इक्वल टू रूट 38 ये मिला है, तो एएम इक्वल टू रूट 38 स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, तो ये होगा 59 इक्वल टू 38 प्लस पीएम स्क्वायर, तो यहां से हमें पीएम स्क्वायर मिलता है 59 माइनस 38 पीएम स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस करके देखते हैं, ये होगा 21 पीएम स्क्वायर इक्वल टू 21, तो पीएम इक्वल टू, पीएम इक्वल टू अंडर रूट 21। तो इस प्रकार से हमें पीएम इक्वल टू अंडर रूट 21 प्राप्त होता है, जो कि दिए गए बिंदु की दी गई सरल रेखा से लंबवत दूरी का मान है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के आधार पर जो आपने अभी हल किया, किसी भी बिंदु की किसी दी गई रेखा से लंबवत दूरी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें बिंदु दिया गया हो तथा रेखा का समीकरण दिया गया हो, ये दोनों बातें यदि दी गई हैं, यदि हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और रेखा का समीकरण दिया गया है, तो हम बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु से हमें एक बिंदु दिया गया होगा समतल, पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक, इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं।
इसे हम इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। हमें दिया गया है मूल बिंदु से समतल टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमें दिया गया है। हमें एक बिंदु दिया गया है और एक समतल दिया गया है। हमें एक बिंदु दिया गया है जो कि मूल बिंदु है और एक समतल दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले ये समतल का निरूपण करते हैं। ये है ये समतल को दर्शाया गया और समतल का अभिलंब हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। समतल का अभिलंब हमने दर्शाया चित्र के अनुसार। यह समतल का अभिलंब है। यह समतल का अभिलंब है। हम इसे यहाँ लिखते हैं अभिलंब। ये समतल का अभिलंब है। मूल बिंदु से हम यहाँ पर बिंदु को दर्शाते हैं। मूल बिंदु से समतल पर हमें लंब रेखा खींचनी है। मूल बिंदु से यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ से समतल पर लंब लिया। ये मूल बिंदु दिया गया है यहाँ पर 0 0 0, लेकिन इसको यहाँ पे हमने P से दर्शाया है। अब इस बिंदु के निर्देशांक माना, इस बिंदु को माना हमने N से दर्शाया, ठीक है। तो हमें समतल दिया गया है, हमने समतल को दर्शाया। समतल पर अभिलंब, ये अभिलंब हो गया और दिया गया बिंदु P 0 0 0 है। इस बिंदु से समतल पर हमने लंब PN डाला, ठीक है। हमने बिंदु से समतल पर लंब PN डाला। दिए गए बिंदु P से P 0 0 0 से
समतल पर दिए गए बिंदु से हमने समतल पर दिए गए बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का लंबपाद n है, ठीक है। ये फुट पॉइंट है, ये है ना। तो ये हमने यहाँ पर बनाया। अब हमें समतल दिया गया है, समतल का समीकरण है, हमें जो समतल दिया गया है, समतल का समीकरण है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। समतल के अभिलंब के दिक अनुपात समतल के अभिलंब के दिक अनुपात ये होंगे टू थ्री माइनस फोर। समतल के अभिलंब के दिक अनुपात हैं टू थ्री माइनस फोर। PN अभिलंब के समांतर है, PN अभिलंब के समांतर है, इसलिए PN के दिक अनुपात PN के दिक अनुपात जो अभिलंब के दिक अनुपात हैं वही दिक अनुपात PN के होंगे। तो PN के दिक अनुपात टू थ्री माइनस फोर होंगे। हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात समान होते हैं, अतः PN के दिक अनुपात भी 2, 3, -4 होंगे। क्योंकि आज का समय समाप्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का शेष भाग हम अगले कालखंड में हल करेंगे। धन्यवाद।